इस्लामिक मंसूर में सवाल ये था कि जब कोई अहमदी लड़की या लड़का दूसरे शहर में पढ़ना चाहता है तो ये अलाउड है? जब एक लड़का या लड़की दूसरे शहर में पढ़ना चाहें तो अलाउड है कि नहीं? बात यह है कि अगर वहाँ पहली बात तो ये माँ बाप की इजाज़त, माँ बाप लड़कों का तो कोई मसला नहीं है, लड़कों के हॉस्टल होते हैं उमन और वो पढ़ लेते हैं, उनको संभाल भी लेते हैं, उनकी बदनामी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी लड़कियों के बातों के ऊपर हाथ उठते हैं, हैं? पहली बात तो ये माँ बाप से इजाज़त, अगर माँ बाप इजाज़त दे दें तो फिर सोचा जा सकता है। दूसरी बात कि जहाँ जाना है वहाँ किसके पास रहना है, अगर हॉस्टल में रहना है तो फिर लड़कियों का अलग हॉस्टल होना चाहिए, ठीक है? अगर लड़कियों का अलग हॉस्टल है तो ठीक है। फिर ये है कि वहाँ पढ़ते हुए अपने पर्दे का, अपनी तकद्दस का, अपनी पाकीज़गी का ख्याल रखना। पाकिस्तान में भी लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं, रवा से बाहर भी पढ़ने जाती हैं, यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ रही होती हैं, लेकिन हर लड़की जो रवा की जब बाहर पढ़ने जाती है ना तो वो नज़ारत तलीम के ज़रिए से मुझसे इजाज़त लेती है, वक्फे और नहीं हर लड़की। और बल्कि जो लड़कियां दूसरे शहरों में हैं वो भी अगर ऐसे इदारे जो हैं, को एजुकेशन है जहां लड़के और लड़की इकट्ठे पढ़ रहे हैं तो वो इजाज़त लेते हैं, लड़के लड़कियों का जो इकट्ठा इदारा है उसमें पढ़ना हो तो इजाज़त लेते हैं, ताकि और ये लिख के देते हैं कि हम पर्दे में रह के पढ़ाई करेंगी और वहाँ हॉस्टल भी है, वहाँ रहेंगी। तो यहाँ भी अगर एहतियात से ये चीज़ें हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वालदैन को तसल्ली नहीं है तो फिर बेहतर है कोर्स बदलो और यहीं पढ़ो अपने इलाके में।